न्यूज़18 गुजराती में आपनो स्वागत छे। हूँ छु आपनी साथे संध्या ने जोशु समाचार विस्तार थी वात करीशु ठंडी नी तो हजु पण कातिल ठंडी माटे आपे तैयार रहेवु पड़शे। 3 दिवस सुधी ठंडी नो चमकारो रहेशे यथावत। उत्तर भारत में हिम वर्षा की असर गुजरात पर पण जोवा मळी रही छे। 72 कलाक बाद ठंडी थी आंशिक राहत मळशे, एटले के हजु पण 3 दिवस ठंडी नो चमकारो यथावत रहेशे। वेस्टर्न डिस्टर्बन्स ना कारणे तापमान वधशे, तापमान मां 2-4 डिग्री वधवानी पण संभावना छे। अगले 5 दिन में पूरी गुजरात में वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा, बारिश होने का कोई भी संभावना नहीं है और टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 1-2 डिग्री घट सकता है और विंड जो हवा का गति जिसे अभी चल रहा है 7-8 नॉट तक रह सकता है। आज और कल परसों से हवा का गति कम हो जाएगी और मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर देखा जाए तो अब भी नाइट टेम्परेचर अगले 24 आवर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जैसे अभी टेम्परेचर प्रिवेल हो रहा है पूरे गुजरात में ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा, लेकिन अगले 24 आवर्स का बाद टेम्परेचर बढ़ेगा बाय 2-4 डिग्री सेल्सियस। उत्तरकाशी में नव वर्ष की पहली हिमवर्षा थी। मोड़ी रात सुधी हिमवर्षा चालू रहता सहलाणियों हिमवर्षा की मजा माणी थी। गंगोत्री धाम अने धराली में रातभर थे हिमवर्षा ने कारण समग्र विस्तार में बरफनी सफेद चादर छवाई गई है। मूड़वा धराली हर्षिल में हिमवर्षा ने कारण समग्र विस्तार में कड़कड़ती ठंडी नो अनुभव थई रह्यो छे। आ हिमवर्षा ने कारण हर्षिल मुलाकाते आवेला प्रवासियों चेहरा पर पण रौनक जोवा मळी हती। साथे ज आ विस्तार ना खेडूतो आ विस्तार ना वधु सारी हिमवर्षा की अपेक्षा राखी रहा छे। बीजी तरफ नीचाणवाड़ा विस्तार में वरसाद ना अभावे खेडूतो नी चिंता में पण वधारो थयो छे। पहली बर्फबारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है बर्फ गिर रही है, हम बहुत ही आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ मेरा भतीजा संजय सिंह पंवार, उनके होटल में आज यहाँ पर हम बड़े इंजॉय ले रहे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज अपने गांव पहुँचा हूँ और भाई संजू ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध करा रखी है। आज जो साल की पहली बर्फबारी हुई है इसके लिए हम काफ़ी खुश हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हैं वो भी बड़े खुश हैं और हमारे होटल पर रुके हैं और इस बर्फबारी से हमें जो हमारे सेब काश्तकार है सेब के लिए भी बहुत अच्छी लाभदायक फसल के लिए बहुत अच्छी बर्फबारी गिरी है और साथ ही हम लोग जो विंटर की बात करते हैं तो विंटर टूरिज्म के लिए बर्फबारी एक बहुत अच्छी साबित है हुई है। यहाँ अर्सिल धराली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है और बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है, काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ आए हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।